और हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और गरियाबंद से एक अहम खबर आपको बता दें, स्कूली छात्रों को करंट लगने का मामला और बाल बाल चार स्कूली छात्रों की जान बची है। दरअसल फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में ये करंट लगा है। देवभोग के प्राथमिक शाला का कदली मोड़ा का ये पूरा मामला, विद्युत विभाग की लापरवाही का ये मामला, प्लांट से बिजली का तार टकराने की वजह से करंट आ रहा है इसमें और ये करंट किसी की भी जान ले सकता है। इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। इमरान, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी आशीष, देवभोग के शासकीय प्राथमिक शाला कंजीमुड़ा का ये पूरा मामला है। ये हादसा तब हुआ जब बच्चे अपने क्लासरूम से निकलकर यूं खेल रहे थे और जब वो वहां पर गए जहां पर फ्लोराइड युक्त रिमूवल प्लांट लगाया गया और जैसे उसको टच किए तो करंट का झटका लगा। इससे बच्चे काफी ज्यादा डर गए और आनंद फानंद वहां पर मौजूद टीचरों ने उन बच्चों को जैसे तैसे संभाला और कहीं कहीं एक बड़ा हादसा होते होते बच गया और इस हादसे में बाल बाल बच्चों की जान बची है। दरअसल जो फ्लोराइड रिमूवल प्लांट जो लगा है वो कई दिनों से बंद है और उसके ऊपर जो है 11 KV का जो तार है वो लटक रहा है जिसकी वजह से ये झटका आ रहा है। वहां पर चेक करके देखा गया तो उस पूरे रिमूवल प्लांट पर वो करंट फैला हुआ है और ये विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है कि वहां जहाँ स्कूल है वहां से 11 KV का तार वहां पर गुजर रहा है और ये जो तार है उस प्लांट से टिका हुआ है। यही वजह है कि अब झटके लग रहे हैं। अगर यही आ रहा है तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अब जो है वहां पर शिक्षक तैनात है और बच्चों को उस जगह से दूर रहने के लिए कहा गया है। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दे दी गई है लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इसे हटाने में कितना टाइम लगता है विभाग को, क्योंकि बड़ी चूक हो सकती है और अगर ऐसा रहा तो बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि स्कूल में सभी बच्चों को वहां से दूर रखा जा रहा है और वहां पर शिक्षक अभी तैनात है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे बिलासपुर से, अहम खबर आपको बता दें, डीईओ के ठिकानों पर एबीसी ने छापा मारा और एसीबी का यह छापा, जहां डीईओ टीआर साहू के एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा, टीआर साहू को उनके कार्यालय लेकर पहुंची है टीम। दरअसल कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी साहू से पूछताछ, टीआर साहू के बिलासपुर कवर्धा आवास पर छापा, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर कार्रवाई। और हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उमेश से बात करेंगे। उमेश, एसीबी और ईओडब्ल्यू दोनों साथ में कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? आशीष जी, देखिए सुबह तड़के 7 बजे ये टीम जो है टीआर साहू के जो शासकीय बंगले है नूतन चौक में वहाँ पर पहुंची थी। पहले उनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनके जो कार्यालय है कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्ट्रेट के पास वहाँ पर पहुंची। पहले तो घर का दस्तावेज खंगाला गया, फिर उसके बाद ऑफिस पहुँचकर वहाँ पर दस्तावेज खंगाले गए। इसके साथ ही जो इनका पैतृक ग्राम है कवर्धा वहाँ पर भी टीम मौके पर पहुंची थी, एक साथ ये दबिश दी गई थी। मेरे साथ सीधे तौर पर टीआर साहू है, जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे ही जानते हैं कि ये टीम कितने बजे पहुंची थी। सर, क्या कुछ वहां से आपके यहां से बरामद की है पुलिस ने? 7:45 बजे यहां टीम पहुंची थी। मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था तो एक दो मिले और परिचय पूछे। परिचय पूछने पर मैं अपना परिचय बताया, उनसे भी परिचय पूछा तो बोले बता रहे हैं ऐसा करके, थोड़ा सा आपसे मिलना है ये कहा गया। तो फिर घर में बैठाया उनको, तो फिर अपना परिचय बताया और कागज़ दिखाया कि हम एसीबी टीम से आए हैं, ऐसी बात है तो ठीक है ये करके। फिर वो पूरा सर्च किए, सभी चारों रूम का एक एक चीज़ को छानबीन किए, जो भी डायरी वगैरह जो भी था वो सबको देखे, किचन वगैरह को देखे, बाथरूम वगैरह सबको खंगाले, सभी को खंगाले। मैंने पूरा जांच में सहयोग किया और लेकिन टीम को किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं मिले, वो संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद उसने कहा कि हमको वापस कभी चेकिंग करना है। मैं कहा चलिए ऑफिस में ही हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज अवकाश का दिन था, बंद था चौकी। दफ्तर में क्या 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 छानबीन की गई? दफ्तर में पूरे मेरे चैम्बर का देखे, क्योंकि आज अवकाश का दिन था, चौकीदार था, चौकीदार का ताला खोला और पूरा मेरे चैम्बर का पूरा रजिस्टर है, फाइल है, सबका एक एक चीज़ की छानबीन किया गया
और मैं कहा कि पूरा देख लीजिए आप, जो भी आपको डाउट है। तो उसने पूर्ण रूप से छानबीन किया। आपके पैतृक गांव में भी टीम पहुंची थी? नहीं, इसकी मुझको तो जानकारी नहीं हो पाई थी। मेरे पूरी मोबाइल वगैरह सब रखवा लिए थे और पूरी जांच के दौरान मेरा मोबाइल उन्हीं के पास था। एक शिकायत मिली है कि आय से अधिक संपत्ति, कितना कमा लेते हैं जो आय से अधिक संपत्ति का आपके यहाँ सीधे छापा पड़ गया सर? ये तो मेरे खुद समझ में नहीं आता। लगभग 35-36 वर्ष हो गया मैं राजपत्रित अधिकारी के पद में हूँ। सीधे लेक्चरर के पद में मैं ज्वाइन किया था। मेरी मिसेज भी लेक्चरर है और लेक्चरर के बाद मैं बीओ ए बीओ प्राचार्य के पद से होते हुए मैं जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में हूँ। और कवर्धा में मेरी मिसेज भी व्याख्याता है जी। मेरा बेटा भी सिविल इंजीनियर है जो अभी प्राइवेट में कहीं कहीं काम करते हैं। और क्या पता मेरे को समझ नहीं आए कैसे किसके द्वारा गया है। मैं अभी भी आल्टो मारुति आल्टो गाड़ी का उपयोग करता हूँ। और लोगों को कैसे क्या है कुछ पता चलता है कि ईर्ष्या भावना से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि बिलासपुर मेरे लिए बिल्कुल नया एरिया है और लोग जान पहचान। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आपके साथ ऐसा द्वेष रख रहे हैं, कोई है विभाग में? जरूर, मुझको ऐसे ही सुनाई पड़ता है। अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जरूर बताते हैं लोग कि पीछे पड़े हुए हैं और यही द्वेष भावनाओं से ऐसा गलत शिकायत करते हैं, तो जिससे जी मुझको कुछ तकलीफ तो जरूर होती है। बिल्कुल जी जी आशीष जी, जो ये शिकायत है या जो ये पक्ष रख रहे हैं, अब देखना ये होगा कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, और ये क्या वाकई ईर्ष्यावश की गई कोई शिकायत है। बहरहाल अब देखना होगा आगे, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन की बैठक, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अगुवाई में मंथन हो रहा है। किरण सिंह देव, पवन साय बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि नगर निकाय पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई और यहां बीजेपी की बैठक में ये सभी चर्चा हुई और नितिन नवीन की अगुवाई में मंथन हुआ। आज निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर मंथन हुआ है। आज की इस बैठक में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, क्या बातें हुई हैं, उस पर बात करेंगे। आकाश शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। आकाश, ये आज की बीजेपी की बैठक में क्या रहे एजेंडे, किन मुद्दों पर बात हुई? जी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर पहुंचे और पहुंचते ही वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जाते ही सीधे बैठक संगठन की लेनी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले संगठन के तमाम जो पदाधिकारी थे उनकी बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, इसके साथ ही पवन साय समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी थे वो मौजूद थे। इसके साथ ही जो कार्य समिति की बैठक है वो चल रही है, साथ ही जो है मंत्रिमंडल की बैठक भी शाम को लेंगे। तो इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से बैठकों का दौर जो है वो भाजपा मुख्यालय में जारी है। कल भी बैठक लेंगे, जिला पदाधिकारियों को बुलाया गया, न्योता दिया गया है इसमें बैठक में शामिल करने के लिए। और इसमें जो मुख्य बिंदु है वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है, पंचायत चुनाव को लेकर है, क्योंकि आगामी समय में जो है प्रदेश भर में निकाय और पंचायत चुनाव होना है। इसमें किस तरीके से बीजेपी रणनीति बनाएगी, किस तरीके से जो कांग्रेस के पास जो सीटें हैं नगरीय निकाय के और पंचायत के, उनको किस तरीके से हासिल करे, क्लीन स्वीप करे, इस पर मंथन चल रहा है। और कार्यकर्ताओं में भी एक तरीके से जो है उत्साह भरा जा रहा है। नितिन नवीन जी जब भी आते हैं संगठन की ताबड़तोड़ बैठक लेते हैं और बैठक के साथ ही रणनीति बनाते हैं। तो ये दौर चल रहा है, दो दिन तक लगातार बैठक चलेगा और इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्देश दिए जाएंगे, संगठन उस पर अमल करेगी। सीधे साफ तौर पर कहना है संगठन का कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जो है जुड़ जाए और आगामी चुनाव की तैयारी करे। जी बहुत शुक्रिया आपका आकाश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, सीएम हाउस में हरेली त्यौहार मनाने को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देर से और कांग्रेस की नकल करने के उद्देश्य से ही बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार प्रमोट कर रही है। देर से ही सही, कांग्रेस की नकल करने के उद्देश्य से ही सही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों को प्रमोट करने के लिए मजबूर हुई है। हरेली के त्योहार पे मुख्यमंत्री निवास को पारंपरिक रूप से सजाया जाएगा, जैसा कि
पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार में सजाया जाता था। निश्चित तौर पर अच्छा कदम है। दरअसल 15 साल तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया तीज त्यौहार परंपरा को तिरोहित करने का काम किया। और उधर सुशील आनंद शुक्ला के तंज पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की परंपरागत त्यौहार है, कांग्रेस इस मुगालते में है कि उसी ने इन त्योहारों का आविष्कार किया है। बार बार एक बात जो मैं कहते रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के परंपरागत त्योहार जो सैकड़ों हजारों वर्ष से मनाया जा रहा है, कांग्रेस को यह मुगालता हो गया है कि ये पर्व और त्योहार का आविष्कार उन्होंने किया, उन्होंने प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में जन जन में लोग सैकड़ों वर्षों से ये पर्व और त्योहार मनाते रहे हैं परंपरागत रूप से। हम तो सब परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, पर कांग्रेस इस मुगालते में मत रहे कि ये तीज त्योहार और ये गेड़ी हरेली इनका आविष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया, ये भ्रम उनको नहीं होना चाहिए। और रायपुर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश और बीते 3 घंटों से तेज बारिश का दौर लगातार जारी, और कई जिलों में भारी बारिश को लेकर पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, और इन जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। और ऐसे में लगातार बीते 3 घंटे से जारी बारिश के चलते अब आने वाले कुछ और समय तक अगर ये बारिश इसी तरह से चलती रही तो सड़कों पर और ज्यादा पानी लगने की संभावना है। आपको बता दें कि यहां जानकारी ये मिल रही है कि 4 जिले जिसमें अब तक कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भारी बारिश जारी है, और बीते 3 घंटे से तो लगातार ये बारिश हो रही है। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश को लेकर जानकारी मिल रही है, जहां भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। गुड़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ है। रायपुर शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया, राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, और इस तरह की परेशानी, अब ये देखिए किस तरह से गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोग मजबूरन उसी पानी में उतरकर निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ी वहां जाकर फंस गई है। और ऐसे में यदि कहीं पानी लगा हो तो आप अपनी गाड़ी ना लेकर जाएं और किसी तरह से ऐसे पानी में जाने का रिस्क ना लें जो कि खतरनाक हो सकता है। बीते रात से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गुड़ियारी अंडरब्रिज के पास, और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस अंडरब्रिज के पास घुटनों तक जो है पूरा पानी भरा हुआ है। वहीं कई गाड़ियां भी पानी भरी होने की वजह से फंस चुकी है। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा ये दूसरी गाड़ी है जो अंडरब्रिज के पास जो है फंसी हुई है। इससे पहले ये एक गाड़ी जो है 4 घंटे तक यहां फंसी रही, जिसे लोगों की मदद के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया है। वहीं हर साल राजधानी रायपुर में जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। नगर निगम की तरफ से जलभराव की समस्याओं को लेकर, इसके निजात को लेकर तमाम तरह के जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार नगर निगम के ये जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं। वहीं इस साल नगर निगम के द्वारा 80% जलभराव की समस्या को खत्म करने का जो है वो दावा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर आप खुद देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर के कई इलाकों में ये जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, और अभी तक इस समस्या का पूरी तरह से निराकरण जो है वो नहीं हो पाया। न केवल राजधानी रायपुर की गुढ़ियारी बल्कि राजधानी रायपुर के कुशालपुर की मैं बात करूं, जस्सम चौक की मैं बात करूं, तो यहां पर भी बीते रात से हो रही बारिश से पानी जो है पूरी तरह से वो भर चुका है। वहीं अंडरब्रिज के पास पानी भरे होने से लोगों को आवाजाही में भी जो है काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम के जलभराव की समस्या का निजात आखिर नगर निगम कब तक कर पाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैसी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और कोरबा में बारिश के पानी में कार बहने लगी, उस वक्त आरएसएस नगर में सड़क पर कार बहने लगी और बाल बाल चालक की जान बची। दरअसल पोड़ी बहार रविशंकर नगर मार्ग पर हादसा सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। और जशपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर। बगीचा नगर पंचायत सीमा से होकर बहने वाली नदी उफान पर। बगीचा रेंगल मार्ग पर रपटे के पानी के ऊपर चलने की तस्वीर और जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे इसे पार। और भारी बारिश की वजह से बलरामपुर में
स्टॉप डैम टूट गया। कृषि विभाग द्वारा ये स्टॉप डैम बनाया गया था और पहली ही बारिश में डैम में दरार आ चुकी थी जो कि अब पूरी तरह से मुकम्मल हो गई। खड़िया डीह में पुरान पारा में ये स्टॉप डैम बनाया गया था जो इस बारिश में पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अंबिकापुर जिले में दो दिन से जारी झमाझम बारिश की वजह से जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं और गुरगुट्टा डैम लबालब भर गया है। 3 गेट्स इसके खोल दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिन में और भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और लोगों से उफनती नदी नालों को पार न करने की अपील की है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में जहां हाई अलर्ट जारी किया है वहां सरगुजा जिले में भी दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा जिले के हालात की बात करें तो जुलाई महीने में सूखा यहां पर पड़ा हुआ था लेकिन अगस्त के शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है तो वहीं नदी नाले दो दिनों के बारिश में उफान पर है। मैं इस वक्त घुनघुट्टा डैम पर मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए कि यहाँ 8 गेट हैं लेकिन लगातार दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से 3 गेट को यहाँ खोल दिया गया है और प्रशासन भी अलर्ट में है ताकि किसी भी तरह का जो अनहोनी हो उसे रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से दो दिन से लगातार बारिश हो रही है उससे एक तरफ किसानों के चेहरे में खुशी है तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा रायपुर से। तो श्रवण महंत अंबिकापुर से इस वक्त मौजूद हैं। तनु, इस वक्त कई जगह लगातार बारिश हो रही है और बीते 3 से 4 घंटे हो चुके हैं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आप भी सुबह जब जुड़े थे हमारे साथ उस वक्त भी बारिश हो रही थी, हालांकि अब कुछ बारिश रुकी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए बीती रात से ही राजधानी रायपुर में अच्छी बारिश हो रही है और बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में जल भराव वाली समस्या जो है वो देखने को मिल रही थी। चाहे गुढ़ियारी अंडरब्रिज की हम बात करें या जयस्तम चौक की हम बात करें, इसके अलावा खुशहालपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में, भाटा गांव में कई जगहों पर, वहीं शहर के निचले बस्तियों में भी भारी बारिश के चलते जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिली थी। और थोड़ी देर पहले ये गुढ़ियारी अंडरब्रिज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि यहां पर घुटनों तक पानी जो है वो भरा हुआ था। फिलहाल ये पानी जो है वो उतर चुका है और वहीं जब ये पानी भरा था तो यहां पे 2 गाड़ियां भी जो है वो फंसी थी। इसके साथ ही आवागमन भी पूरी तरह से बाधित था लेकिन पानी के उतर जाने से अभी आवागमन भी जो है वो पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है। इसके साथ ही कई इलाकों में अभी भी जल भराव वाली समस्या जो है वो देखने को मिल रही है और हर साल जब जब राजधानी रायपुर में अच्छी बारिश होती है जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है और हर साल नगर निगम की तरफ से जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। वहीं इस साल नगर निगम ने कहा था कि 80% तक वो जल भराव की समस्या को जो है वो खत्म कर देंगे लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी जल भराव की समस्या जो की त्यों बनी हुई है और इसका कोई निजात जो है वो नहीं मिल पाया। वहीं गुढ़ियारी अंडरब्रिज की हम बात करें तो इस अंडरब्रिज को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे में इस अंडरब्रिज में भी जल भराव की समस्या देखना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। और हर साल ये जब भी तेज बारिश यहाँ पर होती है तो नगर निगम के दावे की जो है वो पोल खुल जाते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे नाली से जो है वो कचरा साफ किया जा रहा है और इसी के बाद से ये जो निकासी का काम है जो वो यहाँ पर हुआ है। ये जो कार है वो लंबे समय से यहाँ पर जब पानी बिल्कुल स्वाभाविक है और पानी निकल चुका है तो उम्मीद है कि अब आगे ये जो बारिश होगी इससे समस्या ना हो, इसलिए वहां पर जो कचरा फंस रहा है उसे भी साफ करने की आवश्यकता है। श्रवण, आप भी पहुंचे थे डैम का जायजा लेने, क्या स्थिति है फिलहाल? डैम के और भी गेट्स खोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल, गेट के इसी तरह अगर बारिश होती रही तो और भी गेट खोलने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि लगातार दो दिनों से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से डैम का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है और यही वजह है कि जो सिंचाई विभाग है वो 3 गेट को फिलहाल खोले हैं और बाकी और बारिश होती है तो और भी गेट खोलेंगे। अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो कई इलाके हैं जो जलमग्न की स्थिति में है। MG रोड हो गया और सतीपारा इलाका जो निचली बस्ती है वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं और बारिश लगातार जारी है। बीते 3 से 4 घंटे भी हो गए लगातार बारिश जारी और श्रवण जहां मौजूद है वहां इस वक्त भी बारिश हो रही है और ये हालात क्या आगे और संभलते हैं या फिर इसी तरह से बारिश जारी रहेगी देखना है होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रायपुर से तेलीबांधा गोलीकांड मामले में गिरफ्तारी हुई। तेलीबांधा गोलीकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जसवंत सिंह की हरियाणा से गिरफ्तारी हुई। रायपुर पुलिस हरियाणा से गिरफ्तार कर लाई है और आरोपी जसवंत के पास एक पिस्टल बरामद कर ली गई और अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक और गिरफ्तारी तेलीबांधा गोलीकांड मामले में।